सो गाइस, ये है लेटेस्ट चेरिश ओएस का 4.4 ऑफिशियल अपडेट, जिसका वीडियो पेंडिंग लिस्ट में था भाई रेडमी के 20 प्रो के लिए। और स्पार्क ओएस के लेटेस्ट 13.4 अपडेट का वीडियो आ चुका है। इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है तो जरूर से चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अब इसमें जो है कैसी ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन मेरे को काफी तगड़ी लगी है इस रोम में, और काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, तो सभी को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग्स में आपको 4.4 वर्जन मिलेगा, उसके बाद ऑफिशियल अपडेट है, एंड्रॉइड वर्जन 13 है, जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल, बूलेक्स कर्नल है जो कि जनवरी 12 से अपडेटेड है, एंड सिलिक स्टेटस आपका यहाँ पे एनफोर्सिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस आपका यहाँ पर सर्टिफाइड मिलेगा, वाइड बैंड L1 है, गूगल फोटोज में स्पूफिंग आपको मिलेगी, ये रोम में मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है, और यहाँ पे कंजप्शन आप चेकआउट कर सकते हो, एक्टिव और आइडल रेन वैसे काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी के मामले में वो मॉडरेट या फिर डिसेंट आप बोल सकते हो, और डीप स्लीप भी वर्किंग है। ये सीपी थ्रॉटलिंग ग्राफ है, 92% तक आपका सीपी थ्रॉटल करता है, और ये आपको Geekbench 5 के स्कोर्स देखने को मिलेंगे, और ये YLF टेस्ट के अंदर स्कोर्स हैं। अब अगर आपने जो है स्पार्क ओएस के लेटेस्ट रोम का रिव्यू देखा है तो वहां पे आपको के प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, जिनके अंदर बैटरी वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसके बाद बैलेंस्ड का सेक्शन है और परफॉर्मेंस मोड का है। अब जो बेंचमार्क्स मैंने आपको दिखाए सबको मैंने जो है के प्रोफाइल्स को परफॉर्मेंस मोड के ऊपर टॉगल करके दिखाया, और मैक्सिमम जो रिफ्रेश रेट है ना भाई यहां पर भी 102 हर्ट्ज का आपको मिल जाएगा, बट मैंने रोम को पर्सनली 60 हर्ट्ज के ऊपर ही यूज किया। अगर आपको पिक्सल लॉन्चर चाहिए किसी रोम के अंदर तो ये रोम आपको डेफिनेटली मिल जाती है पिक्सल लॉन्चर के साथ में, एंड यहां पर सब के सब फीचर्स अनलॉक्ड आपको मिलेंगे। क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में बिल्कुल लैग नहीं आएगा, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की जो स्पीड है सुपर फास्ट सुपर अमेजिंग आपको मिलेगी इवन 60 हर्ट्ज के ऊपर भी, सो कोई भी इश्यूज आपको नहीं आने वाले, आप चेकआउट कर सकते हो, एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ आपको मिल जाएंगे, और कहीं भी लैग या फिर यूआई में जिटर वगैरह नहीं आने वाले, एंड ऐप या फिर जो आपकी ये स्क्रोलिंग वाली चीज है ना यहाँ पे स्क्रोलिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी अच्छे से स्क्रोलिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड 13 का सिस्टम वाइड सर्च आपको मिल जाएगा जो कि आपको वेब के रिजल्ट शो करेगा, और नीचे कुछ और चीजें भी आपको ये शो करने वाला है। उसके बाद रोम में जो बाय डिफॉल्ट इस बार स्टॉक कैमरा इंक्लूड किया गया ना वो LMC 8.4 R15 है, और यहाँ पे मैंने कन्फिक्स को अप्लाई कर रखा है, एंड स्लो मोशन वीडियोस भाई 1/8x तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड बाकी सारे लेंसेज वगैरह भी आपके वर्किंग है इस कैमरा के अंदर। अब सेटिंग्स में चलते हैं एंड यहाँ पे नए चेंजेस की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेरिश सेटिंग्स में स्टेटस बार के अंदर वही सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्लॉक एंड डेट की कस्टमाइजेशंस है, और यहाँ पे आपको जो है कलर्ड आइकॉन्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट वाईफाई स्टैंडर्ड आइकॉन का ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। क्विक सेटिंग्स में क्विक सेटिंग की ट्रांसपेरेंसी आप कस्टमाइज कर सकते हो, डेटा यूसेज का ऑप्शन है, और कॉलम्स एंड रोज को आप कस्टमाइज कर सकते हो, और ये सेटिंग्स यूआई इंटरफेस के सेटिंग्स आपको मिलेंगे, मटेरियल डिसमिस बटन के ऑप्शंस हैं, और डार्क थीम के अंदर जो है आपको जो है कस्टम थीम नहीं मिलता, यूआई स्टाइल के अंदर ये आपको मिल जाते हैं डव फेस्ट से अपडेटेड चीजें, ये जो फीचर्स है ना ये डव फेस्ट ओएस के अंदर भी आ चुके हैं। लॉक स्क्रीन के लिए क्लॉक फॉन्ट्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, बट इस रोम में ज्यादातर फॉन्ट्स आपको नहीं मिलते, थोड़े कम मैं बोलना चाहूंगा। एंड यहाँ पे क्विक सेटिंग पैनल स्टाइल्स आपको मिलेंगे, हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स भी वैसे के वैसे आपको मिलेंगे, देन आइकन शेप है, देन आइकॉन की यहाँ पे जो है पैक वगैरह चेंज कर सकते हो, सिग्नल आइकॉन कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, और वाईफाई आइकॉन भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब बटन्स के अंदर शो वॉल्यूम पैनल और लेफ्ट साइड का ऑप्शन है, एनिमेशंस में पावर मेन्यू एनिमेशंस आपको मिलेंगे, एंड नोटिफिकेशंस के अंदर अगर आप देखोगे तो किल ऐप बटन का ऑप्शन है, और इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस हैं, और यहां पे अगर हम बात करते हैं मिसलेनियस की तो यहां पे थोड़े फीचर्स आपको मिलेंगे, लाइक ऐप लॉक का ऑप्शन है, स्मार्ट पिक्सल्स है, हाईर FPS है, फोटो स्टोरेज के लिए स्पूफिंग आप इनेबल कर सकते हो। अब मेन हाईलाइटेड फीचर्स के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे, यहां पे आपको पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, एंड कलर्स के अंदर ये ऑप्शंस हैं, लाइव डिस्प्ले में कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, स्क्रीन प्रोटेक्टर मोड ऐड हो चुका है, और सेम एवोल्यूशन एक्स के अंदर भी था, और टैप टू वेक का ऑप्शन है, प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप है, एंबिएंट डिस्प्ले वाले फीचर्स हैं, डीसी डिमिंग हाई ब्राइटनेस मोड का ऑप्शन है, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको कुछ इस तरीके से QPR 1 से रीबेस्ड रोम मिल जाती है, बट थोड़ा सा यहां पे बग आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का, सो अगर आप स्वाइप डाउन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपका रिएक्ट करता है। 5x5 तक मैक्सिमम ग्रिड्स हैं, और बैटरी की बात करें तो भाई यहां पे आपको जो है के प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, और बैटरी यूसेज का ग्राफ आपको स्टिल एंड्रॉइड 11 वाला देखने को मिलेगा जो स्टैट्स हैं। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में पर है, वॉल्यूम कंट्रोल्स है, डिरैक आपको मिलेगा, एप्टिक फीडबैक
बैक है, क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, सिक्योरिटी एंड फेस लॉक स्क्रीन में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है स्पीड आपको काफी अच्छी मिल जाएगी एफओडी की, तो आप चेकआउट कर सकते हो भाई, कहीं भी लैग इशू आपको नहीं आएंगे। एंड ऑफ कोर्स इस रोम में ना आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे ग्लिचेस वगैरह नहीं मिलते जब आप अनलॉक करते हो, जो एनिमेशन हैं वो काफी स्मूथ आपको मिलेंगे। ये जेस्चर्स की ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको पिल की लेंथ वगैरह इंक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा, स्पेस अंडर द कीबोर्ड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, स्क्रीन ऑफ एफओडी आप यहां से इनेबल कर सकते हो, और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, एंड एफओडी के रिगार्डिंग भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स ओटी अपडेट्स भी चेकआउट कर सकते हो। अब भाई इस रोम की जो परफॉर्मेंस है ना, अब मैंने कितने रिसेंटली एओएसपी रोम्स को ट्राई किया है, गेमिंग के मामले में इस रोम की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट लगी है, बट सेम कर्नल आपको जो है स्पार्क ओएस के अंदर भी मिलता है, तो मैंने उसके लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि वहां पे टच रिस्पांस उतना अच्छे से मेरे को नहीं मिला, बट यहां पर टच रिस्पांस वगैरह भी काफी तगड़ा आपको मिल जाता है। इसको आप बोल सकते हो कि आप MIUI की ओरी सीरीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो स्पार्क ओएस वगैरह के साथ में, तो यहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, आपको टचेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आती, कोई मेरे को मेजर FPS ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिला, एमिंग वगैरह काफी अच्छी है, हीटिंग इश्यूज के लिए काफी अच्छा कंट्रोल आपको मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो परफॉर्मेंस मोड वाली प्रोफाइल को इनेबल कर लेना बैटरी वाले सेक्शन में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी, तो वो ट्राई करना, उसके बाद आपको पीक परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड इसको ना मैं से एक चीज और बता देता हूं, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो थोड़ा सा ऐसे टच में प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करते ना भाई, जो टच रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्सिवनेस आपको मिलेगी गेम में, वो काफी ज्यादा तगड़ी आपको मिलती है और काफी कंसिस्टेंट आपको मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।